त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और अब सब्जियों के भाव बढ़ने लगे हैं। एक हफ्ते पहले जहां प्याज के दाम 30 रुपए प्रति किलो थे तो अब ये दोगुना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आयात कम होने से प्याज के भाव चढ़े हैं। बता दें कि इस साल जुलाई में टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गए थे, जिस वजह से जुलाई की खुदरा महंगाई दर 7.7% के स्तर पर पहुंच गई थी। सितंबर में सब्जी के दाम नियंत्रण में रहने से खुदरा महंगाई दर 5.02% के स्तर पर आ गई, मगर अब प्याज की बढ़ती कीमतें अक्टूबर और नवंबर की महंगाई दर को हवा दे सकती है। प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक चली गई है और आने वाले दिनों में प्याज के दाम में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। सिर्फ 15 दिन में प्याज की खुदरा कीमतों में 50% का इजाफा हो गया है। सप्लाई की रफ्तार को देखते हुए दिवाली तक ही प्याज के दाम में राहत की उम्मीद की जा रही है। हालांकि दिल्ली और पंजाब की थोक मंडियों में अफगानिस्तान से भी प्याज की आवक शुरू हो गई है, लेकिन अफगानिस्तान से प्याज अभी काफी सीमित मात्रा में आ रही है। राजस्थान से भी नए प्याज की सीमित मात्रा में आवक शुरू हो गई है। इस साल खरीफ सीजन में प्याज की बुवाई कम हुई है और राजस्थान में भी प्याज की नई फसल कम बताई जा रही है। गत रबी सीजन में नेफेड की तरफ से खरीदे गए प्याज की सप्लाई भी अब पहले की तुलना में कम हो गई है। तभी देश में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र की सभी मंडियों में प्याज की थोक कीमत 4,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।